शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 माह की हमला ऊँटियाँ छुटी फिरेंगी और जब वैशी जानवर मारे खौफ के इकट्ठे हो जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब जानों को जिस्मों से जोड़ा जाएगा और जब जिंदा गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा कि आखिर किस गुनाह पर मारा गया इसे और जब अमालनामे खोले जाएंगे और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा और जब जहन्नम दहकाई जाएगी और जब जन्नत करीब लाई जाएगी, जान लेगा हर शख्स क्या लेकर आया है वो। बस नहीं, कसम खाता हूँ मैं, पीछे हट जाने वाले सितारों की, चलने वाले और छुप जाने वालों की, और रात की जब रुखसत होने लगती है वो और सुबह की जब सांस लेती है वो। बेशक ये कुरान पैगाम है ज़बानी फरिश्ता आला मकाम के, जो साहिब कुवत है मालिक अर्श के हाँ ऊंचे मर्तबे वाला है। इसकी बात मानी जाती है वहाँ और अमीन भी है। और नहीं ए अहले मक्का, तुम्हारा ये साथी कोई दीवाना, और बिलाशुबा देखा है इसने इस पैगाम लाने वाले को रोशन उफक पर। और नहीं है ये रसूल गैब की बातें बताने में ज़रा भी बखील, और नहीं है ये कुरान कलाम किसी शैतान मर्दूद का। फिर किधर चले जा रहे हो तुम? नहीं है कुरान मगर नसीहत सब अहले जहान के लिए, हर इस शख्स के लिए जो चाहे तुम में से सीधी राह चलना। और नहीं जा सकते तुम मगर ये कि चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन। नेके फैलाने के इस मिशन में मेरा साथ दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर।